जाना कितने उड़ेंगे? मुझे तो परमानेंट गंजा होना है भाई। देख सबसे स्मार्ट है वैसे अंगद। अंगद स्मार्ट है ना तू? ये तो मैं भी कराऊंगा सर। मैं थोड़े से उड़ जाऊंगा, मेरे मुझे कोई टेंशन नहीं है उड़ने में। मुझे गंजा अच्छा लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं बाल वाले की। टैटू बनेगा सीधा? नहीं टैटू वैटू नहीं बनेगा, बस ये होएगा। क्या होगा? क्या सर कर रहे हैं? क्या कहते हैं इसको? स्कैल माइक्रो पिगमेंटेशन। यही भाई जी सर कर रहे हैं। जो भी ला रहे दो ले आना। पोपट ले पोपट मसाले वसाले उसको दारू के साथ पीते हैं। ए पोपट जी, जापान हमारे यहाँ से कितने दूर है? अप्रॉक्स कितने किलोमीटर होगा? हमारा क्लाइंट आए हैं जापान से 8000 किलोमीटर। हमारे लिए हमारे बहुत खुशी की बात है। अभी वो भी रिकॉर्ड करूंगा प्लेन में जाने में। थोड़ा बजट कम रह गया, नहीं तुम अपना बंदा जापान भेजते, पूरा वीडियो शूट करवाते हैं वहां से यहां तक। हां वहां पे सर योगा सिखाते हो? योगा तो अब लंच कर चुके हैं। लंच के बाद हम दोबारा से वापस सेटिंग शुरू कर रहे हैं। सर अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है देख के। पहले से और पेन? पेन तो नहीं, मतलब पेन नहीं होता, जिसको भी बनवाना है वो आ सकता है। सब 8000 किलोमीटर दूर से क्यों ना आ रहा हूँ, आ सकता है। हाँ जी सर, पहले आँख खोलो सही से। सही से खोलो, सही से। जब ऐसी है तो ऐसी रहेगी ना। देखा आँख नहीं खुल रही तुम्हारी, बाकी देख के ऐसा लग रहा है ट्रिमर मार रखा हो, कुछ नहीं पता चल रहा है। तुम कब करा रहे हो अभी बताओ? भाई उड़ तो जाने दे पहले, जब तो कराऊंगा। कोई नहीं हो जाएंगे। तेरे कर दे मेरे सर, यहाँ कर दो। कर रहा है तो वहाँ ऑलरेडी है, वहाँ से सबसे लेट जाते हैं। वहाँ के पास यहाँ पे करा ले, यहाँ पे छत्ती सेब करा ले। टाटू बोल रहा हूँ, करते हैं उसकी आई नहीं। मुझको आती नहीं उसकी। हाँ तो सर बोल रहा है, मैं तो उन लोगों को जोड़ के। अंगद को भी जरूरत है, और इसे भी है सर। आ गया अंगद। अंगद चल तू अपनी यहाँ करवा ले, तेरे वहाँ बाल नहीं आते ना। वाह अंगद को भी जरूरत है। अरे अंगद तो फ्रेम में आया, अंगद को दिखाओ भैया। अंगद को क्यूट बॉय इसके बारे में। ये हमारे स्टूडियो में सबसे क्यूट बंदा है, देखो इसको। हाय हाय ये निकलवाऊंगा मैं एक दिन। क्यों कटवा के?
क्या कटवा के निकलवाए? बस बेटा थोड़ा सा वर्कआउट करेगा ये सब चला जाएगा। चला जाएगा कितने देर हो गए सर वैसे? ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए। अभी कितना बचा है? इतना क्वेश्चन उम्मीद हो चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक यार आएगी थोड़ा सा ऑलमोस्ट 50% हो चुका। पेन ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना? नहीं पेन नहीं, देख लो पेन नहीं हो रहा ठीक है। डरते हैं सारे बिन मतलब में, दर्द होगा हो जाएगा। इसे भी मिलवाओ सबको। लेकिन मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो आप सामने जिन टैटू आर्टिस्ट को देख रहे हैं गौरव, मैंने इन जैसा टैटू आर्टिस्ट अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच। उसका कारण है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कारण होता है। उसका कारण ये है, इन्होंने जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है, 6 साल की एक प्रोफेशनल स्टडी की, और उस 6 साल की प्रोफेशनल स्टडी करने के बाद एक लेक्चरर की तरह उस फाइन आर्ट को पढ़ाया भी। मुझे इतना स्टडी करने के बाद जिस व्यक्ति के हाथ में जो एक टैटू मशीन आएगी तो वो कुछ अच्छा ही बनाएगा। तो इसीलिए इनके जैसा आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा। हाँ भविष्य में कोई मौका मिले अलग बात है, लेकिन फिलहाल फाइन आर्ट टैटू आर्टिस्ट अगर कोई है तो वो गौरव है सर। अच्छा सुनने की आदत ऐसे है नहीं हमें यहाँ पे। जो चीज सच्चाई है वो तो बोली जाए ना। मेरा नाम संजय है और मैं जापान में रहता हूँ, और मेरे बाल ऊपर से काफ़ी गायब हो गए थे, तो मैं इंडिया आया तो मैं सोचा बालों के लिए क्या करूँ, तो फिर मुझे स्याही टैटूज के बारे में पता चला। मेरे एक मित्र हैं उनके द्वारा यहाँ के बारे में पता चला। और आपको ये हेयर्स के बारे में किसने बताया कि ऐसे हेयर्स ऐसे आर्टिफिशियल भी बनते हैं? इसके बारे में मेरे वही मित्र हैं, वो भी एक आर्टिस्ट हैं, तो उन्हीं के द्वारा पता चला कि ये ऐसा संभव है। ओके और जब आप हमारे पास आए तो आपको उम्मीद थी कि आपका ये काम हो जाएगा यहाँ पर? उम्मीद दिमाग में तो बहुत सी कंफ्यूजन थी कैसे क्या होगा, लेकिन एक विश्वास था कुछ, क्योंकि आपके बारे में यहाँ के आपकी कला के बारे में पता चला, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इससे बहुत विश्वास पैदा हुआ। बाकी अभी जितना काम हमने कर लिया है इसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। आपको बनने के बाद ऐसा नहीं रहा कि कुछ नकली चीज हो गया हो? नहीं, एकदम ये बहुत ही अलग महसूस हो रहा है। चलो अपने हमें सेवा का मौका दिया आपने, हम पे भरोसा रखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।